तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बर्गर किंग शेयर के बारे में बात करेंगे। जो शेयर का प्राइस है यहाँ पे 101.90 रुपये है और इस शेयर में आज हमें जो है 1% तक के यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आगे हम इस शेयर के प्रीवियस रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 मंथ में जो शेयर है उसमें हमें यहाँ पर इधर की साइड में हम देख सकते हैं कि 13.10% तक के हमें यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। साथ ही अगर हम मैक्स में ऑल टाइम की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑल टाइम में जो शेयर है उसमें हमें 20.20% तक के जो है नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। आगे अगर हम मैक्स में इस शेयर के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो शेयर की मार्केट कैप है वो 5,054 करोड़ रुपये है और जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। बात करते हैं शेयर की बीटा की तो वो 1.01 है, यानी कि इस शेयर की जो मार्केट कैप, फेस वैल्यू और बीटा है तीनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी के साथ आगे हम इस शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो शेयर है वो लगभग अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच गया है और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो शेयर है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वो 110 रुपये के अराउंड यहाँ पे रहने वाला है। वैसे तो जो ये शेयर है उसमें हमें यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिटर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस शेयर को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपके लिए बढ़िया है, वरना तो शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपके लिए जो है रिस्की है।